अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने रैशनलाइजेशन पढ़नी है सर्ड्स की। ठीक है, ये आपके पास बुक में एक आर्टिकल है, उस पर आर्टिकल नंबर मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक बुक यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसका आपको पेज सेंड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग टैली कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, तो मैं 1 by 1 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। याद रहे कि इसमें हमारे पास डेफिनेशंस हैं जिनको आप लोगों ने मार्क आउट करना है, और वो डेफिनेशंस आप लोग, ज़ाहिर है पूरा का पूरा पॉइंट आ जाएगा, तो उसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो पहले सर्ड्स की रैशनलाइजेशन है, उसको हम लोगों ने देखना है। फर्स्ट पॉइंट में सर्ड्स, पहले दो में सर्ड्स की उन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखें तो मोनोमियल सर्ड्स हैं, सिंगल टर्म, जिस तरह से मेरे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया, ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, मोनोमियल सर्ड्स हैं। ठीक है, आगे बाइनोमियल सर्ड्स, बाइनोमियल वो होता है बाई से ही पता चल रहा है, यानी कि 2 टर्म्स। ठीक है, बाई का मतलब हमेशा 2 है और मोनो का मतलब हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, आगे मियल का मतलब होता है, यानी वो जो न्यूमेरिक फॉर्म में जो सा हम लोगों ने इसको किया होता है। तो आगे ये वाला जो है बाइनोमियल में मेरे पास अगर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ गया ऐसे टर्म, या फिर मेरे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस या फिर मेरे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 आ गया, इस तरह करके हो गया, तो ये मेरे पास क्या है, बाइनोमियल। यहाँ पे क्या है मेरे पास, बल्कि ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट में ही आएगा, स्क्वायर रूट 37 कर लो इसको। ठीक है, तो ये क्या है बाइनोमियल सर्ड्स में, क्या है दो मोनोमियल्स को जब हम आपस में ऐड करें या माइनस करें तो मेरे पास जो टर्म आएगी उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल सर्ड्स, बाइनोमियल सॉरी। ये मोनोमियल थी, ठीक है, सिंगल टर्म्स, और ये हमारे पास डबल टर्म्स होंगी। यहाँ पे हमारे पास दो मोनोमियल टर्म्स यानी मोनोमियल सर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है, ये इनकी डेफिनेशंस हो गई। आगे आ जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, उन्होंने कहा है अगर दो सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के जो आंसर आए वो कोई रैशनल नंबर हो तो हम उसको क्या कहेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, फिर बता रही हूँ, दो टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करें, दो सर्ड्स को, जब सर्ड्स के टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो आगे आएगा, तो वो हमारे पास अगर कोई भी रैशनल नंबर होगा तो उसको हम फिर क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर है, कौन सा, वो आंसर बताएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, रैशनलाइजेशन है, यानी इसी रैशनलाइजिंग फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, हम लोग आगे एक्सरसाइज में अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं तब आपको इसकी रैशनलाइजेशन को समझाऊंगी। आगे आ जाते हैं कॉन्जुगेट सर्ड्स, ये हमारे पास बाइनोमियल सर्ड्स होते हैं, जिस तरह से स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट हम लोग कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसमें हमारे पास सिर्फ दरमियान वाला साइन रिवर्स हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। ठीक है, एक ये चीज़, दूसरी मेरे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो तो मैं इसमें साइन रिवर्स कर दूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। जिस तरह से आपने आयोटा में कॉन्जुगेट्स पढ़े थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, सेम ये वही केस है। तो बच्चे ये आपके टोटल 5 पॉइंट्स थे जिनको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। यहाँ पे कॉन्जुगेट सर्ड्स की डेफिनेशन बन रही है, मोनोमियल सर्ड्स की, बाइनोमियल सर्ड्स, ठीक है, और रैशनलाइजिंग फैक्टर, 4 डेफिनेशंस बन रही है। पांचवा हमारे पास रैशनलाइजेशन का उन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है, और ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि किस ये प्रोसेस कैसे हो सकता है, इसको आप लोग थोड़ा सा ब्रीफ करें। याद रखें आपका मैथ्स जो है आप बोर्ड में उसमें इस तरह के क्वेश्चन कोई ना कोई डाल देते हैं ताकि वो टॉपर सॉल्व कर सकें। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, इसलिए मैं ये टेस्ट में भी लाजमी देती होती हूँ। आपके टेस्ट मैंने देखे थे और उनमें जो गलतियाँ थी वो आप लोग ज़रा एक बार देख लीजिएगा, आप किस किस्म की गलतियाँ की हुई हैं। बेसिस की गलतियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, कैसे कि लॉग ऑफ बी बेस ए लेनी है, तो ए आप बच्चों ने यहाँ लिख दिया है या फिर यहाँ लिख दिया, बच्चे ये दोनों जगह गलत हैं, यहाँ आता है टिप पे। ठीक है ना, तो ये आपने इसको अच्छी तरह से ज़रा हैंडल करें, ये कोई सही चीज़ नहीं है, इसमें बोर्ड में ये सारा क्रॉस हो जाता है आपका लॉग। और भी इस तरह की गलतियाँ थी, हाँ जी, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनमें आप लोगों ने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो कहा हुआ है लेकिन दोनों तरफ लॉग लिया नहीं हुआ, डायरेक्ट आप लोगों ने उसके यूज़ ऑफ लॉज अप्लाई कर दिए, हमें लॉग के जो लॉज थे वो अप्लाई करके आप लोगों ने प्लस माइनस में शिफ्ट करके काम कर दिया हुआ, तो वो एक जो आपने स्टेप गलत किया हुआ या लिखा ही नहीं हुआ उसका मैंने 0.5 आपका ख़त्म किया हुआ, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टाइम। और ये डेफिनेशंस आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।